गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। ये ट्राई करो सब लोग। आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस सर। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रहा ना कोई? नो सर। ठीक। नो सर। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने कराया था पिछली क्लास में भी। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन दिस। तो दो लाइन गिवन है आपको ऑलरेडी, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ये दो लाइन गिवन है मुझे। एक लाइन है मान लो एल वन, दूसरी लाइन है एल टू। और मेरी जो लाइन है वो इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। इन दोनों लाइन से क्या है? परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है L, इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है। ये कोई पॉइंट से पास कर रही है जिसका कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 1, 0, -1। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर चाहिए, है ना? तो आप मुझे पैरेलल वेक्टर बता सकते हो कैसे निकालेंगे? अपन को क्या गिवन है? गिवन डेटा में ये लाइन गिवन है तो इस लाइन का पैरेलल वेक्टर है मान लो b1 वेक्टर। ये वाली लाइन गिवन है तो इसका पैरेलल वेक्टर है मान लो b2 वेक्टर। तो जो अपनी जो गिवन लाइन है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर है उसका पैरेलल वेक्टर कैसे निकलेगा? क्रॉस प्रोडक्ट से। b1 क्रॉस b2। वेरी गुड। b1 क्रॉस b2 करेंगे तो मुझे जो जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों से परपेंडिकुलर होगा, वो मेरी लाइन के पैरेलल होगा, है ना? तो जो मेरा पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? b1 क्रॉस b2। क्लियर है? यस सर। बस। अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था लाइन की? कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मेट बताओ क्या था? कार्टेशियन। x - x1 / a।
very good. Equal to upon x is equal to y minus y one upon b is equal to z minus z one upon c. यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होते थे? पॉइंट पॉइंट ऑन द लाइन पॉइंट ऑन द लाइन हाँ है ना? यस यस सर. ये जो नीचे ABC है ये क्या होते थे? सब पैरेलल वेक्टर सी पॉइंट्स. पैरेलल वेक्टर के क्या डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर हाँ है ना? मतलब उसके आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पैरेलल वेक्टर. तो पॉइंट तो पता है, बस डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर निकालना है. तो b1 क्रॉस b2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे दो वेक्टर का? बोलो, दो वेक्टर का क्रॉस डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ i j k. अब b1 के क्वेश्चन, b1 कहां पे? ये रहा b1. अच्छा, इस वेक्टर फॉर्मेट में जो भी लैम्डा के साथ दिया होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है. यस सर. यस, ये b1 है और ये b2 है. यहाँ पे b1 के क्वेश्चन आ जाएंगे 2, 7, माइनस 3 और यहाँ पे b2 के क्वेश्चन आ जाएंगे 2, माइनस 2 और 5. क्लियर है? बोलो. यस सर. यहाँ से b वेक्टर आ जाएगा आपका, वो b वेक्टर के i कैप j कैप और k के क्वेश्चन अब यहाँ रख दोगे, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर है? बोलो बच्चों. यस सर. बताया था ना पिछली क्लास में? हाँ है ना? यस सर. ठीक है. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि मान लो दो लाइन गिवन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो. एक लाइन गिवन है ये वाली और दूसरी लाइन गिवन है मान लो ये वाली, दोनों किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पता करना है. कैसे पता करें? बताओ, मैं गिवन डेटा उतारता हूँ. अच्छा, ये मान लो फर्स्ट फर्स्ट वाली जो लाइन है इसके ऊपर पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ. कोई भी जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 3 लैम्डा प्लस 5. अच्छा हाँ, वो तो है. अच्छा, वो कोई भी, वो नहीं कह रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर जो फिक्स पॉइंट होगा ना एक कोई ना कोई, उसका कोऑर्डिनेट 5, 7 and -2. हाँ, और इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट क्या है? -3, -6. वेरी गुड. इसका पैरेलल वेक्टर क्या है? 3i cap minus j cap plus k cap. इन सब में इसमें सबको क्लैरिटी है कि नहीं ये बताओ. पॉइंट और पैरेलल वेक्टर पहचान आता है कि नहीं आता है? अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या सिखाया था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का तरीका क्या सिखाया था? भूल को कल ही भूल कल ही कराया था, लास्ट क्लास में कराया था, शायद ट्यूसडे को परसों. पैरेलल ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकाल के क्रिएट. हाँ देखो, कोई भी एक लाइन पे पहले पॉइंट अज्यूम कर लेंगे. मान लो ये पॉइंट है ए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो ए. इस लाइन पे कोई भी मान लो, या फिर पी मान लो, नहीं तो ए तो आप गिवन पॉइंट को मानते थे, इसको मान लो आपने पी मान लिया. तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट अज्यूम करने का तरीका क्या होता था? इसको लैम्डा से इक्वेट करते तो बताओ क्या आएगा इस पे कोई भी जनरल पॉइंट येलो वाली लाइन पे? 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा प्लस 7 और लैम्डा माइनस 2. ये बताया था पिछली क्लास में, लैम्डा को इक्वेट करके एक्स वाई जेड मान सकते हैं इस पे पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन. मैंने मान लिया कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही लैम्डा के टर्म्स में ये मान लिया. अब ये वाला पॉइंट ब्लू वाली लाइन पे भी लाई करेगा, आया ना? यस सर. यस सर. पॉइंट पी आल्सो लाइज ऑन L2, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, आया ना? ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट, आपका z कोऑर्डिनेट. अगर ये L2 पे भी लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर. करेगा. तो इसमें वैल्यू पुट अप कर, एक तरीका ये, या फिर दूसरा तरीका क्या, लाइन L2 पे पॉइंट P अज्यूम कर लो और दोनों पॉइंट को इक्वेट कर दो. दूसरा तरीका वो था. तो इसमें रख दो, अगर x की जगह क्या आ जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 अपॉन माइनस 36 इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 अपॉन 2
इक्वल टू लैम्डा माइनस टू माइनस सिक्स अपॉन फोर। अरे बात समझ में। अब इसको सॉल्व करके पता करते हैं कि कौन सा लैम्डा ऐसा है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, टू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री लैम्डा प्लस एट इक्वल टू माइनस 36 टाइम्स माइनस लैम्डा प्लस फोर, ये कितना आ जाएगा, सिक्स लैम्डा एट टू जा 16 इक्वल टू 36 लैम्डा प्लस 36 इंटू फोर कितना होगा, ये 144। चेक कर लेना एक बार, इधर उधर जाके माइनस हो जाएंगे, इसमें से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बताओ, 128। हाँ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से मेरे पास, 128 अपॉन 30। इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर दो या फिर जिससे भी कैंसिल आउट हुई, 26 जा 24 जा 215 जा 64/15 आ रहा है। ठीक है, अगर आप लैम्डा की वैल्यू 64/15 रखेंगे तो एक बार क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा कि ये रखने पे दोनों भी आपस में बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, है ना। तो एक बार क्रॉस चेक करो, करा करो। तो एक बार लैम्डा की वैल्यू 64/15 यहाँ पे रख देते हैं सेकंड वाले में। क्या दिया हुआ था, माइनस लैम्डा प्लस 4/2। यहाँ पे अगर आप रखोगे 1/2 में बाहर ले रहा हूं, मान लो माइनस लैम्डा प्लस 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस 64/15 प्लस 4 1/2 बार, ये कितना आ जाएगा 60 प्लस का 60 तो हो जाएगा माइनस 4/15। 2 की टेबल से कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 2/15 है ना। तो ये बीच वाला पार्ट है ये वाला, आप वो लास्ट वाला पार्ट भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। लास्ट वाले पार्ट में क्या था, लैम्डा माइनस 8 है ना, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा माइनस 8/4। इसको कैलकुलेट करके देखते कितना आ रहा है, तो 1/4 बार लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 64 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा, 15 एडिटा 120। यस सर, यस सर, देखो इससे आ रहा है कि भी नहीं आ रहा शायद ना, कहीं गड़बड़ हुई। सर मेरी लैम्डा की वैल्यू 16/3 आई थी, मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर किया क्या, एक बार देखो। यहाँ पे अगर आपने रखोगे, फर्स्ट आएगा लैम्डा प्लस 5, ये आएगा माइनस लैम्डा प्लस 7 लैम्डा माइनस 2, सही है। यहाँ पे आपने रखा 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 3 अपॉन माइनस 36 माइनस लैम्डा प्लस 7 माइनस 3 अपॉन 2 और थर्ड लैम्डा माइनस 2 माइनस 6 अपॉन 4 क्रॉस, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ से क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ लैम्डा प्लस 8 इक्वल टू माइनस 36 माइनस लैम्डा प्लस का 4, 6 लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 36 लैम्डा। हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गई, देखो ध्यान नहीं देते हो आप लोग, ये माइनस का 36 प्लस का 4 ये माइनस का 144 है। ठीक है, अब ये माइनस का 144 है, अब क्या होगा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये इधर माइनस होगा ये भी इधर माइनस होगा, आया ना, कैलकुलेशन करो कितना आएगा, ये यहाँ पे 16 प्लस 144 कितना आएगा, 160 रखना पड़ेगा अपन को। यहाँ पे भी 16/3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 16/3 और देखना पड़ेगा कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, देखते हैं अभी हाथों हाथ क्रॉस चेक करते, नहीं तो फिर देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, 1/2 बाहर निकालिए, माइनस लैम्डा प्लस 4 था ना,
आया ना सेकंड वाला पार्ट, माइनस लैम्डा प्लस फोर, या माइनस लैम्डा, माइनस लैम्डा मतलब माइनस 16 बाई 3 प्लस 4 वन बाय टू, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो प्लस का 12 आएगा, है ना, माइनस का 16 प्लस का 12 माइनस 4 बाई 3, चेक कर लो एक बार, बताओ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। और यहाँ पे भी 1 बाय 4 बाहर निकाले, लैम्डा माइनस 8, लैम्डा को क्या माना था 16 बाय 3, 1 बाय 4 वापिस एलसीएम लोगे 16, 8 3 सा 24 है ना। यस सर। 16 माइनस ये कितना होता है 8 माइनस 2 बाय 3, करेक्ट है, करेक्ट है दोनों से, आया ना ठीक। यस सर। लैम्डा की वैल्यू से तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं, अब पॉइंट पी निकल जाएगा, पॉइंट पी कैसे निकलेगा, यहाँ पे लैम्डा रख दोगे, लैम्डा की वैल्यू क्या रख दोगे 16 बाय 3, लैम्डा की वैल्यू 16 बाय 3 यहाँ रख देना तो पी आ जाएगा, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 16 बाय 3, यहाँ पे रखो तो 3 3 कैंसिल, 16 प्लस 5 कितना होगा 21 है ना, फिर ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 16 बाय 3, 7 माइनस 16 बाय 3 कितना हो जाएगा 21, 21 माइनस 16 5 बाय 3, और 16 बाय 3 माइनस का 2, माइनस का 2 करोगे तो 10 बाय 3, तो पी को, ये क्या निकाला अपने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या निकाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझ में आया, कैलकुलेशन कैसे करी समझ में आया, कुछ भी नहीं करना, एक लाइन पे पॉइंट अज्यूम करो, दूसरे में सेटिस्फाई कर दो, इसी दो को सॉल्व करके लैम्डा निकालो, तीसरे में भी रख के देख लो, तीनों के तीनों आपस में बराबर आ रहे, तो मैंने जो लैम्डा निकाला वो इसमें और इसमें रख के देखा, तो दोनों में रखने से 2 बाय 3 2 बाय 3 मतलब लैम्डा अपना सही आया, ठीक है। अब ये लैम्डा की वैल्यू अब यहाँ पे रख देना तो आपका पॉइंट आ जाएगा, जो आपने अज्यूम किया था लैम्डा के टर्म्स में, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, आ रही बात समझ में, ये जो पार्ट है आपको किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में भी यूज हो सकता है, हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए, लेकिन किसी क्वेश्चन में आपको पॉइंट की जरूरत पड़ रही हो तो आपको कैलकुलेशन ऐसे ही करना पड़ेगा। एक और तरीका इनका भी था जो मैंने लास्ट क्लास के नोट्स में भेजा होगा, उसमें दोनों में लैम्डा और म्यू के टर्म्स में माना था और इक्वेट किया था, आया ना। यस सर। चलो अब ये एक और क्वेश्चन जो पिछली क्लास में सिखाया था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर याद आ रहा है? यस सर। अब सुनना ध्यान से, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते सुनो, आपको एक लाइन की इक्वेशन देते हैं, याद आ रहा है बताओ? यस सर। आया ना, जवाब तो दिया करो यार। और एक ये पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट मान लो, मैंने एज्यूम कर लिया एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, अब दो चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा इसकी इमेज, तो सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो बी मान लिया, तो ये बी कैसे निकलेगा, ये बी निकालना है मुझे, तो बी को निकालने का तरीका क्या सिखाया था बताओ, स्टेप वन बी को निकालने का तरीका बताओ क्या था, इक्वेशन को लैम्डा से लैम्डा, हाँ वेरी गुड, सबसे पहले देखो कभी भी लाइन पे पॉइंट दिया और अज्यूम कर लो, बहुत आसान रहता है क्योंकि अननोन एक ही रहता है, हाँ ना, लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट दिया तो हमेशा लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम कर लेंगे, अरे बोलो यार, इस लाइन के ऊपर ही ना, इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट बी है, तो अज्यूम पॉइंट बी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। आपने लैम्डा के टर्म्स में बी को अज्यूम करा, अब लैम्डा निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अपनाएंगे सर, ए बी की इक्वेशन निकाल लेंगे, नहीं नहीं जरूरत नहीं है ना इक्वेशन की, और सोचो लैम्डा निकालना है मुझे सिर्फ, ए बी की इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लैम्डा निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ये परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर का यूज करो, क्या कॉन्सेप्ट होगा, डीआर का निकालेंगे, ये जो ए बी वेक्टर होगा, हाँ बताओ अब याद करो, ए बी वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर किसी लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, यस सर, डॉट जी, यस सर, तो फिर भूल गए आप लोग, एक ही दिन में भूल जा रहे हो, सबसे मैं बता रहा था ए बी की इक्वेशन जैसे अभी लिखा है ना, तो मैं थोड़ा बता रहा था एक्स वो बड़ा चढ़ा के, अच्छा अच्छा बड़ा चढ़ा के, ठीक है कोई बात, लेकिन आपको बेसिक याद रखना है, सबको दिमाग में आ रहा है, ये सारी चीजें आपके बोर्ड्स में भी काम आएंगी,
सबसे पहले इस लाइन के ऊपर जेई में तो क्वेश्चन आना ही है इस पे कि इस लाइन के ऊपर पहले आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया लैम्डा के टर्म्स में, फिर ए बी वेक्टर जो मेरे उस लाइन के पैरेलल के साथ परपेंडिकुलर है, तो दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे बोलो? होंगे सर होंगे। ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी माइनस ए, बी माइनस ए, वेरी गुड। बी आपका लैम्डा के टर्म्स में आएगा, उसको ए में से क्या कर देना, माइनस, है ना? यस सर। बताओ लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? सिंपल इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। यस सर। और डॉट प्रोडक्ट निकालना बताया था, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई, के का के के साथ मल्टीप्लाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे तो क्या लैम्डा आ जाएगा? यस सर। लैम्डा की वैल्यू इस बी में वापस रख देना ताकि पास पॉइंट बी आ जाएगा, है ना? यस सर। अब इसी में पूछता इसकी इमेज कैसे निकालोगे? सर इमेज निकालने का पॉइंट फार्मूला है ना? यस सर। इसके आगे लिख देता हूं टू फाइंड इमेज। सर एक बार बी पॉइंट वाला दोबारा बता दो, मतलब वो लैम्डा लगा के फिर। पहले तो आप पॉइंट अज्यूम करोगे, पॉइंट अज्यूम करना आता है लैम्डा के टर्म्स में? यस सर। ये जो पॉइंट आएगा लैम्डा के टर्म्स में बी आएगा, मान लो 2 लैम्डा + 3 5 लैम्डा + 2 लैम्डा - 3, डॉट प्रोडक्ट जैसे 0 से इक्वेट करोगे आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा मान लो आ रहा है 2, वो लैम्डा की वैल्यू ये जो बी अज्यूम किया था ना उसमें रख देना। जैसे पिछली बार भी आपने क्या करा, लैम्डा निकाला था, पिछली बार भी लैम्डा निकाला था आपने, और लैम्डा की वैल्यू वापस यहां पी में रख दी थी, इससे क्या आ गया था, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ गया था। बोलो लैम्डा की वैल्यू आपने निकाली वापस से इस जो पॉइंट अज्यूम किया था उसमें रख दी, तो पॉइंट पी आ गया था, हां है ना? यस सर। तो सेम यहां पे करना है, पहला डॉट प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट करोगे आपके पास लैम्डा आ जाएगा, वो लैम्डा की वैल्यू आप पॉइंट बी के अंदर रखोगे तो पॉइंट बी आ जाएगा, बी आ जाएगा तो टू फाइंड इमेज अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर है? चलो करो क्वेश्चन एक बार और क्लैरिटी आएगी।
हो गया। आया आंसर किसी को? क्या कर रहे हो अभी भी? सर कर रहे हैं अभी सर, बहुत फ्रैक्शंस में आ रहा है आंसर। करो करो फिर, मेहनत तो करो, एग्जाम में तो आएंगे ऐसे कुछ। हो गया, ऑप्शंस नहीं है ना? ऑप्शन दो। यस सर, यस। चलो ऑप्शन देते हैं, आपकी भी इच्छा पूरी होगी। और ऑप्शन फ्रैक्शन में नहीं है। ऑप्शन दिए जाए और ये ऑप्शन नीचे दिख रहे हैं। यस सर। चल लगाओ दिमाग। कॉन्सेप्ट तो बहुत इजी होता है समझना, अप्लाई करने में सोचना पड़ता है। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। देखते हैं, चलो चलो हो गया आई थिंक टाइम। क्या आ रहा है? ए सी डी बी? सर ए आ रहा है। चलो ए, सबसे पहला स्टेप पॉइंट है ना, तो इस लाइन के ऊपर पॉइंट अज्यूम करने का तरीका, इसको लैम्डा से इक्वेट कर दोगे? बोलो। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? लैम्डा माइनस फाइव, फोर लैम्डा माइनस थ्री, माइनस लैम्डा प्लस सिक्स, करेक्ट है? अरे बोलो यार, करेक्ट है कि गलत है? अब ये पॉइंट बी आ गया, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, बी यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको दिखने में आसान रहेगा। लैम्डा माइनस फाइव, फोर लैम्डा माइनस थ्री, माइनस नाइन लैम्डा प्लस सिक्स। अब ए बी वेक्टर लिख दे। यस सर। ए बी वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी में से ए को माइनस कर दो। तो लैम्डा माइनस फाइव माइनस का टू, लैम्डा माइनस फोर, लैम्डा माइनस थ्री माइनस फोर, जे कैप, माइनस नाइन लैम्डा प्लस सिक्स, माइनस माइनस प्लस वन, के कैप। तो यह आ जाएगा लैम्डा माइनस सेवन आई कैप प्लस फोर लैम्डा माइनस सेवन। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं एरर हो तो बताते रहना। आजकल क्या मैं क्वेश्चन कम सॉल्व करता हूँ ना, तो कभी कभी गलती हो जाती है, प्रैक्टिस छूट गई मेरी। आप लोग प्रैक्टिस में हो ना, तो आप लोगों की हैबिट अच्छी है, आपकी मैथ्स मुझसे भी अच्छी है। अरे बस समझ में, ये ए भी आया सही है? यस सर। यस। अच्छा अब दूसरा बी वेक्टर क्या होगा? पैरेलल वेक्टर बताओ। i cap plus 4j cap minus 9k cap, है ना? पैरेलल वेक्टर ये नीचे के क्वेश्चन होते हैं।
यस सर। अब आपको पता है क्या करना है, बताओ क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट ले ले। डॉट प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई, जे का जे के साथ, के का के के साथ। यस सर। यहां पे है लैम्डा माइनस सेवन और यहां पे क्या है वन, इक्वल टू जीरो। लैम्डा माइनस सेवन 16, लैम्डा माइनस 28 माइनस 81 इससे बताओ लैम्डा क्या आ रहा था आपका, कैलकुलेशन करिए तो वन वन आ रहा है, बाकी सबका भी वन आ रहा है। यस सर। यस सर। अब लैम्डा की वैल्यू वन, स्टेप फोर, लैम्डा की वैल्यू वन रख दोगे इन बी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वन रख देना, देखो क्या आएगा, माइनस फोर वन और थ्री, सही है, सॉरी माइनस थ्री, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आप? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये वाला दिमाग लगाओ, स्वेलिंग आती है तो वही बात है, तो
हो गया अच्छा हाँ किया अटेम्प्ट आप लोगों ने, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा देखो इस तरह वैरायटी बहुत बन जाती है 3D और वेक्टर में, प्रोवाइडेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डायग्राम अच्छे से बना के अप्लाई कर दोगे ना क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार ट्राई करते हैं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, देखो लाइन के डायरेक्शन रेशियो गिवन है, मतलब क्या गिवन है, क्या बोला था पिछली क्लास में लाइन के डायरेक्शन क्या मतलब होता है? हाँ बोलो क्या कह रहे थे? स्केलर वेक्टर गिवन। वेरी गुड, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है, मतलब उसका पैरेलल वेक्टर पता है, उसके पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, उसका पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? 1 लैम्डा आई के, ये देखो छोटी छोटी चीजें हमेशा काम आती है, 2 लैम्डा जे कैप और 4 कैप। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है आगे पढ़ते हैं। इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस, ये y एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो फॉर एग्जांपल मैं y एक्सिस यहीं पे बना देता हूं, इसके साथ ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो पूछा ये लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या क्या, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें सर? डीसीज निकाल सकते हैं? नहीं नहीं इतना बहुत आसान है, एकदम ध्यान से डायग्राम को देखो, क्या आपको दो वेक्टर के बीच में एंगल दिख रहा है? वाई एक्सिस मतलब कौन सा है? वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर कौन सा होगा? जे कैप। जे कैप है 60 डिग्री। अरे होगा कि नहीं होगा? वाई एक्सिस के पैरेलल वेक्टर को तय बोलते हैं। यस सर। मैंने क्या सिखाया था, दो लाइन के बीच में एंगल निकालो या उनके पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल निकालो, बात सेम ही है। यस सर। तो ये दो लाइन, एक लाइन थी आपकी गिवन लाइन, एक लाइन थी आपकी वाई एक्सिस, इसका पैरेलल वेक्टर मान लो ये आपका b1 वेक्टर है, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आपका ये b2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल दिया है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व? यस सर। कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ क्या था? अरे दो वेक्टर के बीच में एंगल का फॉर्मूला, b1 b2 के बीच में एंगल का फॉर्मूला, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 and b2। अब देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था जो नहीं सिखाया, क्वेश्चन घुमा घुमा के आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लास में बता रखे, बस कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने, क्लियर है? b1 डॉट b2 वेक्टर गया जे कैप है, इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो i(0, j(1) और k वाला भी 0 हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। मैग्नीट्यूड ऑफ b1, b1 का मैग्नीट्यूड क्या है? अंडर रूट ऑफ a² + b² + c², हाँ है ना? और b2 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मतलब 1 ही आएगा, वो तो यूनिट वेक्टर है। और cos थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1/2। 1/2। 2 माइनस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ, रूट के अंदर यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा। कैलकुलेशन तो बंद हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर।
वेरी गुड, चलो अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने बता दिया था कि लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस इंटरसेक्टिंग, नहीं ये नहीं बताया था, चलो ये भी क्वेश्चन करो। क्लियर कर रहे हो अटेम्प्ट कि नहीं कर रहे? सर करो करो, डायग्राम बनाओ, दिमाग लगाओ, वेक्टर्स का यूज करो, कोशिश करो, हो जाएगा सब। सर सी ऑप्शन। यस सर सी आर।
चलो करते हैं, क्या सी आ रहा है? इक्वेशन ऑफ द लाइन इंट्रोड्यूस एन इंटरसेक्टिंग द लाइन परपेंडिकुलरली, इस लाइन को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, तो इस लाइन की इक्वेशन पूछी है। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अगेन दो चीजें चाहिए, या तो दो पॉइंट पता चल जाए, या तो एक पॉइंट एक पैरेलल वेक्टर, तो एक पॉइंट तो पता ही है। अब या तो पैरेलल वेक्टर निकाल लो, या फिर इस लाइन पे कोई पॉइंट निकाल लो, आया ना? इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड इंटरसेक्टिंग दिस लाइन परपेंडिकुलर, तो कैसे करें बोलो सर? जनरल पॉइंट निकाल, जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया, मान लो आपने पॉइंट पी, इस लाइन पे जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया पी, पी का कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम कर लिया? लैम्डा प्लस वन, माइनस लैम्डा प्लस वन और टू लैम्डा। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करोगे? गिवन पॉइंट और पी के बीच का पैरेलल वेक्टर और दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। अब ये जो एपी वेक्टर होगा, एपी वेक्टर, ये जो गिवन पैरेलल वेक्टर है, इसके साथ परपेंडिकुलर है? यस सर। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। जीरो। देखो ये जो अपन कंसेप्ट अपना थे ना, वही कंसेप्ट हर जगह, मतलब डायग्राम बना होगा तो लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन अपने आप मिल जाएगी। ये जो एपी वेक्टर है और ये जो पैरेलल वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, एंगल 90 डिग्री, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है ना, एपी वेक्टर कैसे निकलेगा? पी माइनस ए। बोलो। यस सर। यस सर। डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, तो यहां से लैम्डा आ जाएगा। क्लियर है? लैम्डा आ जाएगा तो पॉइंट पी आ जाएगा, है ना? बोलो। यस सर। अब एक लाइन के ऊपर अगर दो पॉइंट पता है तो क्या इसकी इक्वेशन लिख सकते हो? यस सर। बताया था पॉइंट तो कोई भी ले लेना, एक्स माइनस एक्स वन, पैरेलल वेक्टर क्या लोगे? यही पैरेलल वेक्टर, पी माइनस है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाय वाई टू माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन बाय जेड टू माइनस जेड वन। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पैरेलल वेक्टर यही हो जाएगा, एपी वेक्टर yes, है ना? कर लोगे ना? बोलो। हाँ कि नहीं? यस सर। लैम्डा आपका वन बाय टू आएगा, लैम्डा की वैल्यू वापिस रखोगे तो एपी वेक्टर आ जाएगा, एपी वेक्टर आ जाएगा मतलब पॉइंट पी आ जाएगा, पी पता है तो फॉर्मूला निकाल लेना। क्लियर है? ठीक है ना? चलो। यस सर। इससे वो पॉइंट फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करो, ये भी आप खुद से ट्राई करो, खुद से डायग्राम बना के खुद से कॉन्सेप्ट, इसमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करूंगा ना कॉन्सेप्ट याद, खुद से डिराइव करो, कर सकते हो आप लोग, करो ट्राई। लाइन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, माइनस टू कॉमा फोर कॉमा माइनस फाइव, तो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना का ये पूछा गया। पहले सोचो कि क्या कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ। बोलो। अच्छा सिर्फ ओरली बता दो, पूरा सॉल्व मत करो, टाइम लगेगा, नहीं तो ओरली तरीका बता दो, क्या कोई तरीका पता है? सर फुट फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर से इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। क्या बी निकाल लोगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यस सर। उसके बाद यस सर। और बी निकालना भी सीखा है, इसको लैम्डा के टर्म्स में अज्यूम करोगे, पैरेलल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, लैम्डा आ जाएगा, बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला, फिर एबी के बीच में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दोगे? यस सर। यस सर। क्या इसके लिए फार्मूला रटने की जरूरत है? नो सर। तरीका हमेशा याद रहेगा, फार्मूला भूल जाओगे एग्जाम में लेकिन कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यूं भी सीखना ही पड़ेगा, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका क्या है? लैम्डा के टर्म्स में बी को अज्यूम करो, ए बी वेक्टर का डॉट पैरेलल वेक्टर के साथ जीरो करो, आपके पास लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा पॉइंट बी आ जाएगा, पॉइंट ए पता है बी पता है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके ए बी डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? यस सर। ये देखो इन्होंने भी यही किया, लैम्डा के टर्म्स में क्यू को अज्यूम कर लिया, पी क्यू मान लिया इन्होंने पॉइंट, फिर डॉट प्रोडक्ट को जीरो से इक्वेट किया, लैम्डा आ गया, लैम्डा आने से पी का पॉइंट क्यू आ गया और डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब इसी में एक और वैरायटी पढ़ो पहले ध्यान से। मान लो कोई लाइन गिवन है,
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस बार पिछली बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, इस बार डिस्टेंस किसी और के अलोंग पूछा है। मान लो कोई पॉइंट है 5, 7, -2, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है, किसी वेक्टर के अलोंग डिस्टेंस पूछा है। मतलब मान लो ये वेक्टर कोई ऐसा है, ऐसा कोई वेक्टर है, मान लो 3i-j+k, ठीक है, इस वेक्टर के पैरेलल, ये डिस्टेंस क्यू पूछा है, पी क्यू डिस्टेंस। क्लियर है? तो मैं देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा था, इस बार बोला है कि इस वेक्टर के पैरेलल जो जाएगा वो उसके अलोंग डिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन मेजर्ड अलोंग, मेजर्ड अलोंग मतलब इसके पैरेलल पूछा है। क्या कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो आपको क्या निकालना है डिस्टेंस पी क्यू, अब बताओ मुझे क्या तरीका अपनाओगे, तरीका सोचो बस, कैलकुलेशन अभी बात करेंगे। पॉइंट और वेक्टर से वो इक्वेशन निकाल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, देखो खुद से डेवलप हो गई चीजें। ये जो पी क्यू, इसको पी क्यू को एज ए लाइन अज्यूम कर ले, पी क्यू लाइन, लाइन पी क्यू पे पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, तो क्या पी क्यू की इक्वेशन लिख सकता है? यस सर। यस सर। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। ये चैप्टर इसलिए ही इतना अच्छा होता है कि अगर इसमें प्रैक्टिस कर ली, कॉन्सेप्ट खुद से ही डेवलप होंगे अपने। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, लाइन पी क्यू की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है, एक्स वन वाई वन जेड वन पता है, एबीसी पता है, पॉइंट पता है, पैरेलल वेक्टर पता है, लाइन पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी, है ना? यस सर। यस सर। दो लाइन की इक्वेशन पता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, देन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो आपको सब इसमें एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, आपको बुक्स में फॉर्मूले मिलेंगे और यूट्यूब वीडियो पे भी फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आता है, हाँ है ना? दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। क्लियर? यस सर। ओके, किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लो, एनीवन। पहले पी क्यू की देखो, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, पॉइंट और पैरेलल वेक्टर। पॉइंट ऑलरेडी दिया था, पैरेलल वेक्टर भी दिया हुआ था, तो लाइन पी क्यू की इक्वेशन आ जाएगी। अब PQ की लाइन इक्वेशन पता है, गिवन लाइन की भी इक्वेशन पता है, अब दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये अपने ऑलरेडी पहले सीखा है, अभी मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट Q आ जाएगा, P पता है, Q आ जाएगा, तो PQ डिस्टेंस पे आ जाएगा, है ना? यस सर। नेक्स्ट, अब हेडिंग, अब इसके लिए फॉर्मूला रखना बहुत जरूरी है, इसमें बिना फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। हेडिंग डालो, क्योंकि इसमें डेरिवेशन करोगे तो बहुत लेंथी जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स वेरी इंपॉर्टेंट, पिछले दो सालों से जेई का फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार, इस बार भी आ गया तो किस्मत अच्छी, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो 3D में तीन तरह की लाइनें होती हैं, थ्री डायमेंशन। हेडिंग डालो फटाफट, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ये तो नाम से क्लियर है, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें, एक लाइन है मान लो ये व्हाइट वाली और एक मान लो ब्लू वाली, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन। अब मुझे बताओ इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? जीरो। जीरो होगा? जीरो। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा डिस्टेंस तो क्या होगा, जीरो ही होगा, है ना? इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जीरो ही होगा, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, ये हो गया। अब दो और तरह की लाइन होती है, सेकंड वैरायटी ऑफ द लाइन होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन भी नाम से क्लियर है कि अगर दोनों लाइन पैरेलल हो, एक ब्लू लाइन ये रही, ये व्हाइट लाइन और एक ब्लू लाइन, ये दो लाइन पैरेलल है, तो इनके बीच में डिस्टेंस, तो इनके बीच में डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगा, वो हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला भी सिखा दूंगा, फॉर्मूला क्या है वो बता दूंगा, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अभी सिखाऊंगा फॉर्मूला क्या है। तीसरी होती है 3D, 2D में बस दो तरह की लाइन होती, तीसरी होती है 3D में स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट भी नहीं करती और पैरेलल भी नहीं है, नाइदर इंटरसेक्टिंग नाइदर
intersecting nor parallel. ना ही इंटरसेक्ट करती ना ही पैरेलल है। अब इसको विजुअलाइज करना थोड़ा सा 3D में है ना, आप चाहो तो दो पेन लेके भी विजुअलाइज कर सकते। मान लो एक पेन आपने ये ले लिया ऐसे जा रहा है एक पेन, और एक पेन इधर नीचे से जा रहा है, एक पेन ऊपर से जा रहा है एक पेन नीचे से जा रहा है। अब ये ना इधर पैरेलल है नॉन इंटरसेक्टिंग है ना। विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या, कैमरा ऑन करके समझ पा रहे हो? ऐसी लाइन जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, ठीक है? रुको मैं दो पेन लेके सोच दिखाता हूँ। आपको समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब देखो एक ऊपर से चल जाएगी एक नीचे से चल जाएगी, इस तरह से समझो। एक ऊपर से जा रही है और एक नीचे से जा रही है, तो एक लाइन ऊपर से गई उसके थोड़ा सा नीचे से दूसरा पेन निकाल लो, तो नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इनके बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा वो मुझे निकालना है। एक बार मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा, देखो ध्यान से। दिख रहा है क्या? एक मान लो ये लाइन है और एक लाइन ये नीचे से जा रही है। Yes, sir. ना? Yes, sir. ये मान लो ये एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन नीचे से जा रही है, तो ये दोनों के दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? No, sir. Yes, sir. No, sir. नहीं, एक लाइन ऊपर से चली गई एक लाइन नीचे से चली गई, ठीक है? तो ये ना ही पैरेलल है नॉर इंटरसेक्टिंग है, तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना वो ये वाला होगा, ये वाला। एक लाइन ये रही एक लाइन ये रही, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसा परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर के अलावा आएगा तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। इसको आप एक बार है ना एनसीईआरटी में देखना, बहुत अच्छे से दिया हुआ है, और इसका डेरिवेशन भी थोड़ा डेरिवेशन हल्का सा टफ है लेकिन इम्पोर्टेंट, मतलब कॉन्सेप्चुअल है। तो आप ये अपना ये काम अपना फिर स्कूल टीचर के भरोसे छोड़ रहा हूँ मैं आपके। स्कूल में जब जाओगे ना तो जब भी ये चैप्टर पढ़ाए, इसका डेरिवेशन जनरली आप स्कूल में कराएंगे नहीं लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप अपने टीचर को पास बैठ के उनको बोलना कि सर मुझे सिखाओ ये डेरिवेशन कैसे आया। आई बात समझ में? यस सर। तो ये काम उनके लिए, ठीक है? क्या डेरिवेशन काम नहीं आता, लेकिन डेरिवेशन जब करने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा है, उससे आप दो तीन चीजें सीखोगे तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन उससे होंगे। तो ऐसी लाइन जो इंटरसेक्टिंग भी नहीं पैरेलल भी नहीं उनको बोलते हैं स्क्यू लाइन, इनके बीच में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो हमको निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं देखो ये ऊपर से जा रही है एक लाइन और एक लाइन मानो नीचे से जा रही है, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला। तो मान लो एक लाइन है आपकी, पहली लाइन है मान लो r वेक्टर इक्वल टू a1, ये स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेडिंग डाल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, हेडिंग डाल दो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। एक लाइन है मान लो a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरी लाइन है मान लो r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b2 वेक्टर, लैम्डा की जगह म्यू रख दो। एक लाइन है मान लो a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 और दूसरी लाइन है a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर। क्लियर है? यस सर। वाह, तो ये a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस लैम्डा b2, क्लियर? a1 a2 क्या है, दोनों लाइन के ऊपर पॉइंट, और b1 b2 क्या है, पैरेलल वेक्टर, याद रखना। लैम्डा के साथ जो रहते वो क्या रहते हैं, पैरेलल वेक्टर, और म्यू के साथ जो रहते वो पैरेलल वेक्टर, और ये क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन, है ना? Yes, sir. सर रिपीट करना एक बार। क्या हुआ सर, रिपीट करना एक बार। एक मिनट, मेरे को एक्चुअली कोई बताया नहीं, बस मैंने तो ये बताया पैरेलल वेक्टर और पॉइंट वेक्टर कौन सा होता है, ये पता है कि नहीं? देखो हेडिंग डालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन, दो स्क्यू लाइन आपको दी होगी, एक लाइन ये रही मान लो, एक लाइन मान लो ये रही। फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन है मान लो r वेक्टर इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, a1 मतलब उस पे जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर और b1 इसका पैरेलल वेक्टर, क्लियर है? यस सर। दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है मान लो r वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, A2 मतलब उसके ऊपर जो पॉइंट है B उसका पोजीशन वेक्टर
और बी टू मतलब उस लाइन सेकेंड वाली लाइन का पैरेलल वेक्टर, ये गिवन है मान लो। अब या तो लाइन इसके टर्म्स में गिवन होगी, हो सकता है आपको कार्टेशियन इक्वेशन के टर्म्स में गिवन है। अब इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है मॉड ऑफ, मॉड लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए, ए टू माइनस ए वन, सॉरी या रट लेना इस फॉर्मूले को, मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन मतलब जो पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर पॉइंट है उनका डिफरेंस, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ये फॉर्मूला है। ए टू माइनस ए वन ये एक वेक्टर है डॉट बी वन क्रॉस बी टू, अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर है क्या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, याद आ रहा है स्केलर ट्रिपल, ए डॉट बी क्रॉस सी, यस सर, एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा, एक के बीच में डॉट दूसरे के बीच में क्रॉस, तो ये एक तरह का बॉक्स प्रोडक्ट न्यूमरेटर में है ना, तो ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, फॉर्मूला है जो आपको एकदम याद रखना है। इसमें हमेशा देखो कभी भी क्वेश्चन गिवन हो आपको पॉइंट तो पता ही होंगे, लाइन के ऊपर दोनों पॉइंट, दोनों लाइन के ऊपर पॉइंट, तो सबसे पहले आप यही निकाल लेना, ए टू माइनस ए वन वेक्टर निकाल लेना, सबसे पहले क्या निकालोगे ए टू माइनस ए वन है ना, यस सर, स्टेप टू फिर आप निकाल लेना बी वन क्रॉस बी टू पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो निकाल ही सकते हो, यस सर, यस सर, स्टेप थ्री इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना, ये जो ए टू माइनस ए वन स्टेप वन में निकाला है इसका डॉट बी वन क्रॉस बी टू के साथ, क्लियर है? यस सर, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना, फिर स्टेप फोर में फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को यहाँ पे जो वेक्टर आया उसके मैग्नीट्यूड से, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड भी साइड में निकाल लेना, बी वन क्रॉस बी टू का मैग्नीट्यूड भी निकालना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस मैग्नीट्यूड से दोनों यहाँ से स्टेप टू और स्टेप थ्री में जो आंसर आया उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, और मॉड लगा देना क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर्मूला रट लो पहले बात, तो फॉर्मूला क्या है, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, क्लियर है? ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, आई बात समझ में? यस सर, यस सर, ये एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हेडिंग डालो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। सर हमें पहले चेक करना पड़ता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो नहीं है, नहीं जनरली आपको दिया रहता है, और देखो बताता हूं मैं, पैरेलल लाइन डायरेक्ट दिखेगी, मान लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर जीरो आ रहा मतलब लाइन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, आए ना? ओके सर, कभी कभी ये पूछेंगे कि क्या लाइन इंटरसेक्टिंग है क्या नहीं है, तो लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है कैसे पता चलेगा उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो, ठीक है? और एक चीज और अभी बताऊंगा आगे में, अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो हमेशा कैसी होगी, कोप्लेनर, ठीक है? अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो उसको एक प्लेन में लाई करेगी, यस सर, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो एक प्लेन के अंदर एक पेज के ऊपर लाई करेगी, हाँ है ना, ये नॉन कोप्लेनर है, ये क्या है, नॉन कोप्लेनर, क्योंकि एक ऊपर से जा रही है एक नीचे से जा रही है, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कोप्लेनर भी होगी, हाँ है ना, तो कभी भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट आता है, कंडीशन फॉर टू लाइन्स टू बी कोप्लेनर, दो लाइन कोप्लेनर कब होगी, टू बी कोप्लेनर, तो दो लाइन कोप्लेनर का मतलब क्या है, उनके बीच में आप क्या अप्लाई करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम जीरो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर, हाँ है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर तो अपने आप जीरो में चल जाएगा, न्यूमरेटर सिर्फ बचेगा, बोलो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये, और डिनोमिनेटर वाला तो अपना आप जीरो में चला गया, इसको जीरो से इक्वेट करोगे, ये क्या है, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, आपको क्वेश्चन में ऐसा देंगे, इफ द टू लाइंस आर कोप्लेनर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब कोई ना कोई कॉन्स्टेंट अननोन रख देंगे लाइन की इक्वेशन में, वो बोलेंगे अगर ये दोनों लाइन कोप्लेनर है तो के की वैल्यू बताओ,
तो अगर दो लाइन कोप्लेनर है तो आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जीरो से इक्वेट कर देना, है ना? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना, इफ द टू लाइंस आर कोप्लेनर मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है मतलब उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो होगा। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आता है कोप्लेनरिटी का, इफ द टू लाइंस आर कोप्लेनर देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी जीरो। बोलो, क्लियर हुआ? एक बार समराइज करूंगा मैं सारी चीजें, घबराना मत। मान लो दो पैरेलल लाइन दी आपको, अब पैरेलल लाइन की खासियत क्या होगी, पैरेलल लाइन में दोनों के पैरेलल वेक्टर सेम होंगे। एसक्यू लाइन में तो पैरेलल वेक्टर अलग अलग होते हैं, बी वन बी टू, लेकिन जैसे यहाँ पे मान लो ये ए वन वैक्टर से पास कर रही है, मान लो ए टू वैक्टर से पास कर रही है, इसका पैरेलल वैक्टर अगर बी वैक्टर है तो इसका भी पैरेलल वैक्टर वही होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, आया ना? यस सर। बी वन बी टू नहीं होगा, जैसे एसक्यू लाइन में बी वन बी टू अलग अलग होता है, पैरेलल लाइन के केस में आपका पैरेलल वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो आप ऐसे पहचान लोगे अगर दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर, दोनों लाइन के पैरेलल वेक्टर अगर सेम है या फिर उनके आई कैप जेके के कोएफिशिएंट अगर सेम रेशियो में है, मतलब पैरेलल है, तो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। बोलो। यस सर। इस केस में आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ए टू माइनस ए वन तो रहेगा ही सही, देखो ए टू माइनस ए वन तो रहना ही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पे डॉट वगैरह नहीं रहेगा, बस यहाँ पे डायरेक्टली कर दो क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे बी वन बी टू कुछ भी नहीं है, तो ए टू माइनस ए वन क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये फॉर्मूला दूसरा है आपको याद रखना। क्लियर है? ये दो फॉर्मूले रख लो, अगर लाइन स्क्यू है तो फॉर्मूला हो जाएगा ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, बस ये पता होना चाहिए a1 a2 b1 b2 क्या है, ये ऑलरेडी बता रखा है बहुत बार, a1 a2 क्या है पॉइंट ऑन लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, b1 b2 क्या है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइन के केस में पैरेलल वेक्टर सेम हो जाएगा, बस a1 a2 अलग रहेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a2 minus a1 cross b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, आई बात समझ में? यस सर। अब मैं वापस समराइज कर रहा हूं, सुनना ध्यान से, इफ टू लाइंस आर, लिखते भी जाओ, इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मीन्स वो कैसी होगी, कोप्लेनर, है ना? क्लियर है? देयरफॉर यस सर, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, जीरो, जीरो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी जीरो। देयरफॉर कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी, कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जीरो से इक्वेट कर देना, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू इक्वल टू जीरो। आ रही बात समझ में? यस सर। दो लाइन का कोप्लेनर है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a2 minus a1 dot b1 cross b2 equal to 0, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, सबसे पहले a2 minus a1 निकाल लेना, ध्यान रखो a2 a1 क्या, a1 a2 क्या है, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उनके पोजिशन वैक्टर, तो कभी कभी आपको कार्टिशियन इक्वेशन देंगे तो भी आप a1 a2 तो पता कर सकते हो ना, आया ना? Yes, sir. A2 minus A1 निकाल लेना, उसके बाद निकाल लेना B1 cross B2 parallel vector का cross product, और उसके साथ साथ निकाल लेना magnitude of B1 cross B2, दोनों साथ में निकाल लेना। Step 3 में ये जो दोनों vector आपने निकाले इन दोनों का dot product कर देना, Step 3 में दोनों Step 1 और Step 2 में जो vector है इनका क्या कर देना, dot product। अब ये जो answer आया और ये जो magnitude का answer आया इन दोनों को क्या कर दोगे, divide, क्योंकि formula क्या है, numerator में A2 minus A1 dot B1 cross B2 divided by magnitude of B1 cross B2, इन दोनों में के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज एक बार ये बता दो, जैसे मान लो कोई लाइन आपको ये गिवन है वेक्टर फॉर्मेट में या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में, x माइनस थ्री बाई टू वाई प्लस फाइव बाई माइनस वन इक्वल टू जेड माइनस टू बाई थ्री,
तो बताओ इसका a वेक्टर क्या है? थ्री आई कैप माइनस फाइव जी कैप माइनस प्लस और इसका पैरेलल वेक्टर टू आई कैप माइनस टू जी कैप प्लस थ्री जी कैप माइनस ये वन है ठीक है सही है निकाल लोगे ना ये पॉइंट होता है बताया था आपको और ये पैरेलल वेक्टर होता है ना तो करो ट्राई हाँ गौरव बोलो आपने हेनरीस के कुछ बोलना है तो बोलो सर स्क्रीन शो नहीं हो रही हो तो रही है नहीं हो रही शो सर ए ऑप्शन चलो ऑफ करते हैं फटाफट देखो ये देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेई में भी आता है बोर्ड्स में भी आता है दोनों जगह आता है सबसे पहले बताओ लाइन वन का पॉइंट ऑन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन बताओ A1 वेक्टर क्या है इस पे A1 कौन सा देखोगे हेलो यस सर बोलो फटाफट A1 वेक्टर कौन सा है पॉइंट लाइन वन पे इस लाइन पे A1 वेक्टर कौन सा होगा इस लाइन पे पॉइंट कौन सा है बताओ पॉइंट ऑन द लाइन सर थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप है ना इस लाइन पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है थ्री टू और वन है कि नहीं है यस सर यस सर यस है बताया था ना ये पॉइंट ऑन द लाइन होता है नीचे वाले पैरेलल वेक्टर होता है तो लाइन पे पॉइंट क्या है थ्री आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप पैरेलल वेक्टर क्या है नीचे वाले टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप क्लियर है यस सर लाइन एल टू पे पॉइंट बताओ ऊपर वाले पॉइंट होते हैं नीचे पैरेलल वेक्टर ऐसे याद रख लो ऊपर एक्स के साथ जो पॉइंट नीचे पैरेलल वेक्टर ध्यान रखना एक्स का क्वेश्चन वन होना चाहिए यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया होता है क्वेश्चन वन बनाना पहले तो यहाँ पे बताओ क्या होगा पॉइंट माइनस थ्री आई कैप प्लस सिक्स जे कैप प्लस फाइव के कैप और पैरेलल वेक्टर आपका हो जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप क्लियर है डिस्टेंस का फॉर्मूला रटना है ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ
बी वन क्रॉस बी टू इस पूरे का मॉड। क्लियर है? सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं बताओ? A2 minus A1. A2 minus A1. A2 को A1 में से माइनस कर दो तो ये आपका A2 ये रहा और ये आपका A1। तो दो वेक्टर को माइनस किससे करते हैं? I का I में से माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स सिक्स माइनस टू फोर जे के और ये क्या था फाइव फाइव था ना हाँ फाइव माइनस वन फोर के कैप ये ए टू माइनस ए वन हो गया। क्लियर है? यस सर। स्टेप टू क्या रहती थी? बी वन क्रॉस बी टू। अब ए टू माइनस ए वन आ गया अब क्या निकालना है? बी वन क्रॉस बी टू। अब बी वन क्रॉस बी टू निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे? आई जे के। अब बी वन के क्वेश्चन बी वन क्या है? टू थ्री वन टू थ्री माइनस वन टू थ्री माइनस वन और बी टू वेक्टर क्या है? टू वन थ्री। क्लियर है? यस सर। अब पता कर लो कितना आ रहा है। बी वन क्रॉस बी टू कितना आ रहा था? टेन आई के माइनस एट जे के माइनस फोर के के टेन आई के माइनस एट जे के माइनस फोर के। ओके थैंक यू। एक बार क्रॉस चेक कर लेना बाकी लोग भी अपना अपना। प्लस टू टू माइनस सिक्स हाँ करेक्ट है। अब इसके साथ इसका मैग्नीट्यूड भी हाथों हाथी निकाल लेते हैं। यस सर। रूट वन एट्टी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू क्या आएगा? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस सर। टू इनटू अंडर रूट टेन। हाँ हंड्रेड प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटीन कितना आ रहा है अंडर रूट के अंदर? 180? Yes, sir. Yes, sir. तो अंडर रूट के अंदर 180 आ गया। ओके अब इसको चाहो तो रूट रूट बाहर निकाल लेना बात का काम है। अब बस डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर दे। अच्छा पहले अपन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना फिर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट निकाल ले। अब किसका डॉट प्रोडक्ट निकालना? ए टू माइनस ए वन और बी वन क्रॉस बी टू का है ना? Yes, sir. Yes, sir. माइनस ए वन डॉट B1 क्रॉस B2। देखो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाला सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाला फिर B1 क्रॉस B2 निकाला। अब इन दोनों का क्या लेते हैं? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? I का I के साथ मल्टीप्लाई माइनस 60 J का J के साथ 8 4 जा 32 K A का K के साथ माइनस 60 चेक कर लेना एक बार कहीं एरर हो तो कितना आ रहा है? माइनस 108 माइनस 108। ओके थैंक यू। ये आ चुका है ये आ चुका है। अब फाइनली बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर दे। Yes, sir. Yes, sir. Step 4. इतना अच्छे से लिखोगे ना बोर्ड वाला भी खुश हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या जाएगा? मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन और बी वन क्रॉस बी टू कितना है? तो माइनस 108 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 180। इसको कैलकुलेट कर लेना और पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार सारी स्टेप्स देख लो समझ में आई कि नहीं बोलो। डायरेक्ट जेई में पूछ रहे क्वेश्चन आपके सामने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि नहीं? थोड़ी मेहनत करवाएगा लेकिन चार नंबर देखे जाएगा। चार नंबर में रैंक ऊपर से नीचे कहाँ कहाँ हो जाते हैं आपको पता ही है। क्लियर है? यस सर। एक बार वो प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसकी। अब कभी कभी देखो यहाँ पे तो क्या था डायरेक्ट क्वेश्चन था डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन दे दी। कभी कभी लाइन की इक्वेशन नहीं देंगे लाइन की इक्वेशन निकलवाएंगे और फिर पूछेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन। अब दो पॉइंट पता है दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालना आता है? यस सर। एक पॉइंट है 1 2 3 दूसरा पॉइंट क्या है 2 3 4। ये भी जेई 2023 में आया हुआ। देखो सारे क्वेश्चन जेई के हैं तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x - x1 का फार्मूला क्या था दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन का? x - x1 upon x2 - x1। हां x - x1 upon x2 - x1। यस सर। इक्वल टू y - y1 upon y2 - y1। माइक ऑफ कर लो। z - z1 upon z2 - z1। पहले पुट अप करोगे x माइनस x1 बाय 2 माइनस 1 y माइनस 2 बाय 3 माइनस 2 z माइनस 3 बाय 4 माइनस 3 यहां से लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ये लाइन एक हो गई और दूसरी लाइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तरीका वही है जो अभी सिखाया था। आया ना? यस सर। ठीक है
ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कोप्लैनरिटी की कंडीशन आपको, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी ग्रुप में मैंने डाला है। कल आपकी दो एक्स्ट्रा क्लास रहेगी, मैंने जैसा कि okay, बताया एक से तीन, 8:45 से 10, उसमें पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा बहुत पीएनसी का फंडामेंटल समझ के आना कि एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका एनसीआर होता है, हाँ है ना? थोड़ा बहुत फंडामेंटल पीएनसी का जरूरत पड़ेगा मेरे को, एटलीस्ट एनसीआरटी लेवल पढ़ लेना। नहीं तो मैंने ऑलरेडी आपकी रिसोर्स शीट पे पीएनसी का वन शॉट भी डाला हुआ है और उसका असाइनमेंट भी डाला हुआ है, तो वहां से थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि पीएनसी का यूज होगा प्रोबेबिलिटी में। क्लियर है? यस सर। ओके सर। तो अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। तो 3D ऑलमोस्ट हो चुका है आपका। अब आप क्या करना, मॉड्यूल में थ्योरी गिवन है और सॉल्व इलस्ट्रेशन भी गिवन है आपके मॉड्यूल की स्टार्टिंग में, आपको पता है ऑलरेडी। तो वहां से आप वेक्टर और 3D दोनों पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो जो भी सिलेबस में होता। क्लियर है? और एक्सरसाइज नंबर 1 टाइम मिले तो ट्राई कर लेना, नहीं तो मैंने आपको आपका जो टेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैंने शीट बनाई है उसमें भी 3D का असाइनमेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छी वर्कशीट है, उसमें सॉल्यूशन सही थे वो। क्लियर है? यस सर। आपके वो अभी मैंने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक शीट बनाई है ना आपके लिए, यस सर, उसमें वेक्टर 3D का वन शॉट भी है, उसके क्लास नोट्स भी हैं और DPP भी है और PYQ भी अगर चाहिएगा तो वो भी रख दूंगा उसमें, इतना सफिशिएंट है। इतना करके संडे के टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना, कल और परसों दो दिन हम प्रोबेबिलिटी फिनिश कर देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।